तो सुरी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं और छत्तीसगढ़ में आपका क्या आपका क्या काम है वहाँ पे? मतलब दंतेवाड़ा जिले की हूँ और कुआकुंडा ब्लॉक पड़ता है, उसके अंतर्गत नवीन संयुक्त आश्रम जबीली में आश्रम अधीक्षिका हूँ, टीचर भी हूँ, जिसमें बच्चे वहाँ मतलब 100 बच्चे हैं आज के डेट में। मैं वहाँ ही अधीक्षक की पोस्ट में मैं कार्यरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि मतलब वहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे के आगे बढ़ाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट की पोस्ट है? जी, सरकारी ही स्कूल है वो। तो इस जगह इस इलाके में क्या नक्सलवादी का वो संघर्ष चल रहा है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है और नक्सलवादी का ही मतलब वो एरिया है और ऐसे घोषित भी किया गया है। बाकी सच है कि उस जगह पे नक्सलवादी ही हैं। तो आप कुछ बताएंगे इस इलाकों में रहने का आम आदमी के लिए क्या मुश्किल क्या कठिनाई होती है? एक साइड वो CRPF और सरकार की फौज है और नक्सलियों भी हैं, तो जो किसी हिस्सा के साथ नहीं जुड़ने चाहते हैं, तो क्या कठिनाइयाँ होते हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं? परेशानी तो बहुत है हमारे आदिवासियों के लिए, और नक्सलवादी एरिया भी पड़ती है और बीच में पुलिस भी है, CRPF भी है, अब बच्चे मतलब हमारे आदिवासी बीच में फंसे हुए हैं। अब मैं और उनको क्या बताऊं, और मेरी ही उदाहरण ले लीजिए। आज देखो, मैं एक नक्सलवाद एरिया में मैं सर्विस करती हूँ, एक आश्रम है, तो मैं अपनी ईमानदारी से आते एक अच्छे से मैं शिक्षा डेवलपमेंट आगे करना चाहती हूँ। तो आज मुझे मतलब पुलिस खुद ही ऐसा ये कह रही है कि नक्सली समर्थन में हो, और उस एरिया में अगर नक्सलवादी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं नक्सली समर्थन करती हूँ। तो मेरा काम है शिक्षा देना और आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे की रास्ता दिखाना। तो इस तरह मुझे मतलब पुलिस बहुत ज़्यादा शक कर रही है। कई ऐसे आश्रम में थे जैसे पोटाली है, नाहड़ी है, बुरगुम है, मतलब इन आश्रमों को कुछ साल पहले नक्सली ने तोड़ दिया कि यहाँ कैंप आने की संभावना है, CRPF आएगी करके, ये सोच के वहाँ के आश्रमों को तोड़ दिए, जिससे शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो उन्हीं के साथ मेरी भी आश्रम टूटने को थी, मतलब वैसे तैसे तो अब बच भी गई, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ के आश्रम वहीं पर रहें। तो आप बता सकेंगे शुरू से कि अभी आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे हुए हैं और पुलिस ने आपको कहा वहाँ से फरार हो जाने के लिए, तो ये इल्ज़ाम की शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा जो आपकी समस्या है अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मेरे सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई 14 अगस्त 2009 से चालू है। 14 अगस्त 2009 को सबसे पहले एक बजे रात को CRPF या पता नहीं मतलब बहुत सारे फोर्स आई रात में, मैं सोई हुई थी, मुझे कटकटाए, तो मैंने बोला कि कौन है आप लोग? तो उन लोगों ने गांव वाले का बीमा जोगा ये सब नाम बताने लगे कि हम पोटाली के हैं। तो मैं बोली इतनी रात को आप लोग क्यों आए? तो मेरे ना खोलने पर दरवाज़ों को लात मारना चालू किया, तो जिससे हम 3 लेडीज सोए हुए थे वहाँ पर रहे, तो हम खोल दिए, तो खोलते ही उन लोग ने बोले लाल सलाम, तो हमने बोला लाल सलाम तो हम नहीं जानते, नमस्ते ये कह सकते हैं, तो आप नमस्ते कीजिए। तो नहीं, हम माओवाद हैं, हम नक्सलाइट है, तो मैंने बोला नक्सलाइट और माओवाद हम नहीं जानते, आप जो भी हो लेकिन क्यों आए? तो उन लोग मेरे घर को पूरे घुस गए, घुसने के बाद कई तरह के सामान को तोड़ फोड़ भी किया, कुछ पैसे थे ले गए, गाड़ी की चाबी ले गए, अनेक सामानों को उन लोग ले गए। फिर दूसरे दिन 15 अगस्त पड़ा, फिर उधर पूरे क्षेत्र में मेरे पता चल गया कि इधर पूरी पुलिस आई हुई थी और मतलब एक टीम यहाँ गश्त निकली हुई थी। शाम को मुझे पूरी खबर मिली है सब। तो उसके बाद फिर एक आध महीना मतलब उसी अगस्त के लास्ट में फिर लिंगाराम कोड़ोपी को पकड़ लिए इन लोग ने। तो उनको पकड़ने के बाद मैं उनका पीछा करते हुए भी थाने तक आई। थाने में मेरे सामने मतलब उस समय SP था, SP का नाम तो मुझे अभी भूल गए हैं, तो उस SP ने ना मेरे सामने लिंगा को मारपीट भी किया। तो मैंने SP साहब को बोला कुआकुंडा थाने की बात है कि आप क्यों मार रहे हैं सर, इसकी गलती क्या है लड़के की, बेवजह आपके उठा के लाए हो और मारना पीटना क्यों? मेरे सामने लड़के को गाड़ी में डाल के दंतेवाड़ा रवाना किए। तो हम लोग दूसरे दिन फिर आए वहाँ पर, तो भी SP छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे लिंगा को कम से कम 1.5 महीना तक तो बंद रखे। हमने फिर सोचा क्या करेंगे, एक दुबे वकील का सहारा लिए, तो दुबे वकील ने भी मतलब कहे कि आगे हो करो, फिर मैंने तब भी मुझे नहीं हुआ, मेरे को करना क्या चाहिए, तो मेरे एक इमांसु सर कर गए। तो सर से मेरी तो 8वीं से ही परिचय थी, जहाँ पहले माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम उसमें जगह में मैं
पढ़ती थी तो सर से मेरे परिचय थी, कभी कभी काली पीरियड रहता था तो सर आके पढ़ाया करते थे, तो मैं वहाँ एक मतलब आश्रम थी चलाते थे सर, तो मैं वहाँ चली गई वनवास चेतना आश्रम कर, तो सर के पास गई तो सर ने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा बोलो करके, तो मेरे रोना गाना देख के बोले नहीं मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है और मैं लिंगा को नहीं बाहर लाती हूँ, तो क्योंकि उस समय फिर अंदर वाले भी मुझे ही प्रेशर दे रहे थे कि तुम लिंगा राम को छुड़वाओ और तुम्हारे घर से लिंगा राम कोड़प्पी को ले गए हैं और नहीं छुड़वाते हो तो तुम्हारे लिए आपत है, तो मुझे उस तरफ से भी डर थी, तो मैं क्या करती फिर मैं सर के पास पूरी प्रॉब्लम बताई, तो सर ने बोले एक काम करो बेटा तुम हाई कोर्ट के लिए वो कर लो अप्लाई करो, तो फिर मैंने हाई कोर्ट में किए लिंगा का भाई मासा राम कोड़प्पी के साथ, फिर हम हाई कोर्ट में लगाने के बाद फिर वहाँ से लिंगा रिया हो गए, रिया करके लाते वक्त भी फिर रास्ते में लिंगा राम को पकड़ने के लिए फिर से कुआकुंडा ताने वाले और एसपी साहब के कहने पर पूरा वो कर ली, तो लिंगा को शक था कि इन लोग कहीं ना कहीं मेरे को रास्ते से फिर उठा लेंगे, तो फिर वहाँ नहीं पहुँचे लिंगा रास्ते से उतर गए मैं भी उतर गई, तो लिंगा का भाई मासा को पकड़ के रखे एक रात रखे, फिर हम लोग दोबारा आके फिर हिमांशु सर को बताए सर ऐसे ऐसी बात है, लिंगा खुद भी बोला कि मेरे भाई को पकड़ के रखे हैं सर क्या करना है, तो फिर सर ने तुरंत फिर हाई कोर्ट में वकील को बताए होंगे, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन उनको छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद फिर मैं लिंगा वापस गया गांव, तो गांव में दो दिन बाद फिर पुलिस हुई मेरे घर में घुस के ढूंढना, फिर उसके घर जाना, फिर उसके पिताजी को उठा के ले जाना, तो कई तरह से वहाँ भी परेशान करने, फिर आए हम लड़के को लेके लिंगाराम को लेके आए सर के पास, सर लड़का को तो बार बार ऐसी करने, तो सर ने कहा एक काम करो ये लड़का यहाँ रहने से मर जाएगा, तुम चले जाओ यार दिल्ली कहीं अपनी कुछ भी वहाँ व्यवस्था करो, क्या मतलब यहाँ मर जाओगे, तो लिंगा यहाँ आया, आने के बाद फिर दोबारा भी लिंगा चले गया था, तब फिर परेशान करना चालू किए, तो फिर वो सर के ही पास आना पड़ा, हमारे लिए जरिया कहीं नहीं था बस हिमांशु सर का ही जरिया था, तो फिर वो आने के बाद सर बोले अब तो लास्ट फाइनल करो तुमको अब दिल्ली रहना है, अब मत आना, अब जो कुछ भी तुमको करना वही करना है, फिर लिंगा आया, फिर आने के बाद फिर दोबारा लिंगा नहीं गया इधर अपने कोर करने लगा। आप एक चीज बताइए कि ये लिंगा के पीछे क्यों लग गए, लिंगा आपका भतीजा है जी जी जी, तो उनका उनके पीछे क्यों लग गए पुलिस, ये तो हमें भी समझ में नहीं आता रहा कि उनको पीछे क्यों पड़ गए, और जब दिल्ली पहुंच जाने के बाद तो और ज़्यादा पीछे पड़, हो सकता है लिंगा एक बोलने में तेज था, किसी से डरता नहीं था, ना वो कभी नक्सलियों से डर ना किसी से नहीं निडर लड़का था, तो ये लगता रहा होगा कि ये लड़का अगर आगे जाके कुछ अच्छी सीख लेगा, सीखने के बाद आदिवासियों को उठाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, और वहाँ तो नहीं चाहते कि कोई भी आदिवासी आगे बढ़े और कुछ करे, अगर जिस दिन हमारे आदिवासी लोग में आगे बढ़ के इस चीज़ को जानने लगेंगे तो वहाँ तो खून खराबी और ये सब चीज़ें तो नहीं होगा ना। तो अगर पुलिस मानते हैं कि आप नक्सलवादी हैं या नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं कि आपके परिवार पे भी, मैं सुन रही थी आक्रमण हुई है जी, तो दोनों तरफ से आप थोड़ा बता सकते जी जी जी, तो ये पुलिस ना हमेशा मुझे कहे ये तुम नक्सलवाद हो और समर्थन करती हो लीडर हो, तो मैं कई बार पुलिस वाले जैसे मतलब कुआकोंडा ताने में भी उमेश साहू करके मुझ पर कई बार टॉर्चर किया कि तुम मतलब नक्सलवाद, तो मैं बोले सर अगर मैं नक्सलवाद की समर्थन देती या लीडर होती तो आज मेरे पिताजी का घर नहीं लूटा होता और मेरे पिताजी को इस तरह ने नक्सलवाद गोली नहीं मारे होते, मैं अपने पिता को जरूर रक्षा करती, तो मैं कैसे समर्थन हो सकती हूँ, और ये तो साक्षात आपके सामने गवाह है कि मेरे बाप के घर पूरी लूट गई और उनको गोली लग गई और आज घायल है। किस दिन उनका घर कब लूटा था? 13 जून के हाँ 13 जून 2010 में, आज भी मेरे मतलब पिता अस्पताल में है जो उठ भी नहीं सकते हैं और अभी तक मतलब बहुत परेशान हैं, उनकी अभी ठीक नहीं हुए हैं, पूरी पैर तो हो गई है खराब हो चुकी है। और आपका पति को पुलिस ले गए? जी जी मेरे पति को पुलिस ले गए मतलब रखे हुए हैं 1.5 साल से। और किस कारण, क्या इल्ज़ाम? ये है अवधेश गौतम वाले मामले में ले गए हैं, तो अब लिंगा के मतलब वो तो ये लिंगा का ही चलता रहा, फिर ऐसे छोटा मोटा मतलब परेशान तो हमेशा पुलिस मुझ पर करती रही, फिर हुआ क्या है कि मतलब 7 जुलाई 2010 तो अवधेश गौतम के यहाँ नक्सलवाद ने भारी संख्याओं में आके हमला कर दिया अवधेश गौतम पर, इस बात को पूरे दंतेवाड़ा जिला जानती है, सब लोग जानते हैं कि नक्सलवाद ने हमला किया,
लेकिन अब नक्सलवादी करके वो तो मतलब ये भी न्यूज भी निकाल दिए कि हमने ये काम किया। आदिवासी को अवधेश गौतम बहुत ज़्यादा शोषण करता था, टेंडर लेता था और कई चीज़ों को डेवलपमेंट करने से रोकता है, इसलिए हमने उन पर हमला किया। लेकिन वो है कि अब नक्सलवाद ने अवधेश पर किया तो अब गलती से यानी ये तो मैं नहीं कह सकती, पर उसके लड़के को गोली लगी हुई थी। तो अवधेश गौतम ने मेरे पति और मतलब मुझे आरोप बना दिया और कई लोगों को हमारे आदिवासियों को आरोपी भी बना दिया। तो 10 जुलाई को मेरे पति को अरेस्ट किए और 12 तारीख को मतलब 12 जुलाई को कल्लूरी साहब मुझे खुद अपने दफ्तर में बुलाए, ऑफिस में। तो मैं गई थी तो वो बुलाए तो मैं बोले कि तुमने क्या किया। मैं बोले मैं क्या किया, तुम अवधेश गौतम के लड़के को गोली तुमने मारा। मैं बोले आप कैसे कह सकते हैं सर, अब मैं कैसे गोली मार सकती हूँ, मैं ये नहीं मारी हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं। अवधेश गौतम ने खुद ही लिख के दिया है, FR है ये कि तुमने ऐसे किया है करके। तो इस तरह से उसने भी बोला तो मतलब समझ में नहीं आया कि ये सब बातें कैसे हो रही है करके। तो अवधेश गौतम तो ये भी कहता है कि मैंने देखा हूँ कि वो आई थी, और फिर ये भी कहता है कि नक्सलवादी जो आए थे भारी संख्या में पट्टी बांधे हुए, तो पट्टी बांधे हैं तो देखे कैसे हो, फिर वो कैसे दावा कर रहा है कि मैं आया था। तो आज भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो चीज़ सच है उस चीज़ को किया जाए। आज तक तो नक्सली ने जो करके तो फरार हैं, आज तक तो एक भी नक्सली को नहीं पकड़ा। जितने भी 30-40 लोगों को पकड़ के रखे हैं वो सब तो गाँव वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार भी हैं और गाँव के लोग हैं। और आज एक भी उनके हमले में जो शामिल हुए एक भी नक्सलवादी ऐसे नहीं होंगे जो पकड़ में आए। तो एक साइड आपके पति जेल में है, आपका पिताजी को जी नक्सली ने गोली मारी जी जी जी, और आपके 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी गाड़ी भी जब्त है। आपके बच्चे अकेले हैं अभी, हॉस्टल में है, एक लड़का भी है लड़की भी है, दोनों हॉस्टल में, छोटी वाली मेरे रिश्तेदार के पास छोड़ आई हूँ मैं। तो अब आपका क्या आगे रास्ता क्या है आपका? आप पढ़े लिखे हैं, आप कानून से आपको कोई भरोसा है? हाँ, अगर सच्चाई की कानून है तो मेरा पूरा भरोसा, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया है। तो मेरा कितना सच है, सच में अगर कानून अगर अपना वो देखती है तो मैं तो निश्चित है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं गलत हुई नहीं हूँ। और मैं टीचर होने के नाते मैं वहाँ की डेवलपमेंट चाहती हूँ, वहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की खून खराबी नहीं चाहती किसी भी कायदे से। अब वहाँ अगर खून खराबी बढ़ते रहे तो मेरे अपने लोग ही मारे जाएंगे। और इस बात को मैं CRPF से भी कई बार बोली हूँ कि देखिए सर, यहाँ खून खराबी नहीं होनी चाहिए, ये सब गलत है, आप बेकसूर लोगों को पकड़ दकड़ना बंद कीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी तो सुनने में आया मेरे मतलब अब इतना ज़्यादा मुझ पर ही परेशान करके अब तो मेरे वजह से कई लोगों को परेशानी में डाल दिए। जैसे कि अभी सरपंच है मतलब समीली का कमल सिंह मंडा, उसको 1 हफ्ते से बंद किए रखे हैं। और बाकी और मेरे टीचरों को ये कह रहे हैं कि मैडम कहाँ हैं, कैसी है, और उसको हमारे अंडावर करो, ये करो। तो अब वहाँ के अगर टीचर को इस तरह डराएंगे तो टीचर तो अपनी जगह छोड़ के दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके चले जाएंगे, तो वहाँ की शिक्षा तो समाप्त हो जाएगी। शिक्षा समाप्त हो जाने का मतलब है कि वहाँ अधिक से अधिक संख्या में फिर लोग क्या करेंगे, नक्सलवाद बनेंगे, और क्या कर सकते हैं, उनका तो कोई सहारा नहीं होगा ना। और मैं वही चीज़ नहीं चाहती, वहाँ की ये चीज़ को मेरे को खत्म करना है, शिक्षा के दम पर खत्म होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो अभी सॉरी जी, अभी लिंगा को फिर से वो लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और अखबार में थोड़ा बहुत निकला था कि वो SR वाले का कोई पैसे दे रहे थे नक्सलों को और लिंगा को बाजार में पकड़ा गया। तो आप इस चीज़ का पूरा कहानी बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कौन सा पुलिस आपसे क्या क्या फ़ोन मांगा, इसका पूरा बता दीजिए कि जी जी जी। हाँ, ये मतलब ना, ये तो काफ़ी दिन से जो मानकर करके था वो मेरे को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। उसके पहले भी लिंगा के साथ बाताबाती हुई थी, जो कि उसमें मतलब मानकर वगैरह, मानकर के साथ और भी साथी थे, पर मानकर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मानकर कहाँ? ये किरंदुल थाना के एक सिपाही है और इसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो बीच में हम दंतेवाड़ा गए हुए थे, जिससे लिंगा और मैं, तो हम दोनों को बुला के वहाँ पर पूछे कि तुम मोरपल्ली और जैसा भी एक 3 गाँवों को जलाए हैं, तो ये तुम गए थे क्या करके? तो लिंगा ने बोला हाँ मैंने गया और पूरी वहाँ की जानकारी लिया हूँ मैंने किया। तो क्यों, तुम किस रास्ते से गए? कई तरह की बातें हुआ, तो उन लोग बहस करने लगे। तो मैं लिंगा से बोली इनसे बहस करने से कोई मतलब नहीं है लिंगा, मत उलझो इनसे करके। फिर मैं इधर उधर शांत करा के मैं लड़के को वापस फिर घर लेके आई। तो इस तरह से फिर लिंगा को तो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि लिंगा तो हर बात का जवाब देता था और बहुत कुछ सीख गया था एक पत्रकार होने के नाते, हर चीज़ों के उनके पास जवाब थी।
तो इन लोगों ने मुझे तो कई दिनों से परेशान करके रखा था। लिंगा नहीं जाने से पहले भी, जैसे लिंगा को बुलाने के लिए भी मुझे बहुत टॉर्चर किया गया कि तुम उसको वापस बुलाओ दिल्ली से, या आना चाहिए लिंगा करके। उस समय मतलब मुझे 2 घंटे के लिए भी इन लोग बंद करे रखे थे अपने दंतेवाड़े थाने में भी रखा था ना, लिंगा की वजह से भी टॉर्चर करते रहे। तो इन लोग ने ऐसा किया तो मैं लिंगा को एक दिन बताया, लिंगा मेरे को पुलिस वाले बहुत परेशान करते हो। मानकर ये कहता था कि बुरगू में कैंप लगी है अंदर वाले की, नक्सलवाद की कैंप, बहुत बड़ी कैंप है और पोटाली में, इसकी सूचना दो तुम, इसको एक बार अटैक कराओ, तुम पे जो मैडम अरेस्ट वारंट लगा है वो सब चीज़ को हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो मैं बोलती थी कैसे खत्म हो, एक बार तो जिसमें लग गया तो कोर्ट से ही मेरी चीज़ खत्म हो सकती है, आपके कह देने से तो खत्म नहीं होगी, और वैसे भी मेरे आपके पास सबूत है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलता था नहीं, तुम समझ नहीं रहे मैडम, अगर अंदर चले जाओगे ना दोबारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम एक बार एक कैंप की जानकारी दे दियो। तो मैं बोली अब इतनी दूर कैंप कहाँ है, कैसे है, पोटाली और क्या बोल बुरगू में तो बहुत काफ़ी दूर है मेरे आश्रम से, और जंगल पहाड़ी जगह का मैं वहाँ कैसे जानकारी दे सकती थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं बोले मैं अपने स्कूल तक की जो जानकारी मांगोगे मैं बता सकती हूँ, वहाँ तक की मुझे कोई है नहीं। मीटिंग होता है जैसे नक्सली हैं बद्रू, विनोद और गणेश के, इन सब का नाम, रघु, ये सब का नाम लिया जाता था कि इनकी जब मीटिंग होती है तो मीटिंग की हमको सूचना दे कि एक बार अटैक करवाओ, तो हम अपने SP साहब से बोल के तुम्हारा सब कैसे ख़त्म करेंगे, तुम्हारे बच्चों की एक अच्छी स्कूलें देंगे, मतलब पढ़ाने की अच्छी वो करवा देंगे, हर चीज़ करेंगे। कई तरह के लालच इन लोग हमेशा करते थे, तो मैं हमेशा इनकी बातों को टालती रही, कभी हाँ में ना में, हाँ में, मुझे किसी भी तरह अपने क्षेत्र में मेरे को अपने बच्चों के पास रहना था, तो मैं हाँ ना करती, क्योंकि पर ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया। लास्ट में मानकर ने सोचा ये तो ऐसे नहीं करेगी, फिर उसने बोला एक छोटा सा काम है मैडम, उसमें कोई तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी, उस काम को कर दो। बोले मैं बोली क्या काम है, तो बोले कि BK लाला करके एक SR का मतलब नीचे का एक है, टेंडर वाला है, ठेकेदार है, और उसके जो ऊपर वाले उनके जो डायरेक्टर है जैसे गणेश हुई के जो नक्सली है उन तक करोड़ों रुपये दे चुके हैं, और जो विनोद है, बद्रू है और रघु है, ये जो छोटे स्तर के हैं, जो ये मतलब मलंगेर जन के कमेटी हैं, इनको BK लाला के माध्यम से पैसे लेने हैं। तो मैं बोले ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भाई नक्सली अगर ये इस बात को जान जाए तो मुझे मार देंगे। तो नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं बोली आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हो, अब वो पैसा देते हैं या नहीं देते हैं ये तो हमको नहीं मालूम, वो उनकी बड़ी बड़ी कंपनी की मामला है और उस बीच में मैं जाना भी नहीं चाहती, अब उनकी कंपनी के बीच का क्या बात है क्या नहीं, ये सब चीज़ों में मुझे मत घसटो, मैं ये सब कामें नहीं करती, मैं एक टीचर हूँ तो मैं एक सच की तरफ ही अपनी बातों को करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। तो बोला नहीं आप फिर भी नहीं सुन रहे, आपको मतलब अरेस्ट होना ही है किसी भी जगह। तो फिर मैं नहीं माने, फिर वो मानकर ने मेरी फ़ोन लिया और BK लाला का नंबर उसने पहले से रखा हुआ था होगा, और BK लाला को फ़ोन कर दिया कि तुम पलाना दिन मतलब बाज़ार है पालनार बाज़ार में आ जाओ पैसे लेके, मैं जैसा बद्रू या जो भी बोल रहा हूँ उसने कुछ तो ऐसे बोल के बुला लिया है जहाँ तक, तो उन्होंने बुलाया कि आ जाओ करके BK लाला को, और BK लाला को तो मैं तो कभी देखी भी नहीं, जानती भी नहीं थी। तो दूसरे दिन बाज़ार पड़ गई, और मैं एक आश्रम चलाने ना थे, मेरे को तो मार्केट करना ही था, बच्चों के लिए सब्जी उब्जी खरीदनी थी, तो मैं कुछ बच्चों को भी लेकर आई थी, मेरे चपरासी भी आए हुए थे, फिर लिंगा के साथ वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पड़ती है मार्केट की वे पालनार, जहाँ समय ली से हम आए, तो बाज़ार से सब्जी उब्जी ले लिए, बच्चों को मैंने बोला कि तुम वापस अब चले जाओ आश्रम में और मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरे को दंतेवाड़ा में काम है। फिर लिंगा और मैं दंतेवाड़ा आए, जहाँ कि 10:30 और 11 बजे के बीच में हम लोग दुबे वकील करके हैं, उस दुबे वकील से हमने हमारे जो पिताजी की धन संपत्ति के जो नक्सली ने कर दिया क्षतिग्रस्त कर दिए तो उसका आवेदन बनाना था, क्योंकि पिताजी को ये कुआकुंडा थाने वाले कोरे पन्ने में दस्तखत करके लाए हुए थे, तो पिताजी मुझे फ़ोन करके बताए थे कि मैं कोरा पन्ना में दस्तखत किया हूँ। तो मैं बोली क्यों किए हो, आवेदन हम बना के देंगे, पुलिस कुछ भी लिख देगी, कल के दिन फिर उल्टा सीधा लिख देगी और फिर बाद में बोलेगी उसने लिखा है, ये है वो है, जैसा कई तरह से फिर आरोप भी लगवा सकती है, तो आप ऐसा क्यों किए। पिताजी बोले वो कागज़ को आप लोग ले लो, आवेदन बना। मैं गई दुबे वकील पर, आवेदन बना लिए, आवेदन बनाने के बाद हम वहाँ से 11:30 और 12 के बीच में रवाना हुए, जो कि हम नकुलनार 12:30 बजे पहुँचे, और एक मनोज SPO करके हैं, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, और उस लड़के को हमने आवेदन दिया, वो लड़का बोला दीदी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थानेदार कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये आवेदन दे दो और एक रिसिप्ट लेके रखना, मैं कल आके तुमसे ले लूँगी रिसिप्ट। ठीक है दीदी, बोला उसने। तो फिर 12:30 बजे उसने दिया उसने, फिर वहाँ से हम निकलते पालनार पहुँचे 1 बजे में, आज मेरे पिताजी के घर है पालनार मार्केट में,
तो मेरी माँ मेरे भाई कहने लगे थक गए हो, खाना वाना खा लो। हमने खाना वाना खाया, खाने के बाद मेरी माँ फिर कहने लगी नहीं तुम्हारी नानी की फुलपाड़ में डेथ हुई है तो तुमको वहाँ जाना, मैं चल नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती, बीमार से रहती है। तो लिंगा ने मार्केट घुसा, मार्केट से 2 कफन कपड़े खरीदे मेरे लिए उसके लिए, हम दोनों मिल के फिर हम चले गए एक फुलपाड़ गाँव, वहाँ से 2-3 किलोमीटर लगभग पड़ती है पालनार से, वहाँ जाके हम कपड़ा दे तो वहाँ 2:30 बज गया। तो वहाँ सभी लोग देखे हैं फुलपाड़ गांव में, वहाँ पर जितने भी डेथ बॉडी में जो लोग थे सब लोग देखे हैं, हम सबसे मिले बोले। वहाँ से आके आने के बाद 3 बज गया, 3 बजे जैसे मैं घर घुसे, घर घुसने के बाद मैं लिंगा से बोली लिंगा वापस अब हमको जाना होगा, समय लिया चलना चाहिए करके, ठीक है बुआ बोला। फिर मैं अंदर घुस, उसी बीच में कई जन लड़के लोग आए बगैर वर्दी के थे ऐसे रहे और आके लिंगा को पकड़ दकड़ चालू किया। तो मैंने लिंगा को पकड़ा कि ये क्या कर रहे हैं लिंगा के साथ, चल लिंगा करके मैं उसको घर तरफ खींच के मतलब थोड़ा बाहर में बरंडा जैसा है अंदर खींचने की कोशिश की। तो लिंगा थोड़ा देर अंदर घुसा फिर निकल गया, बोला मैंने कुछ नहीं किया, क्या बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हैं, कहाँ जाना मैं चले जाऊँगा करके बाहर में बैठ गए। उन लोग फिर अंदर घुसते मेरी चुन्नी खींचना चालू किए, मेरे कपड़े खींचना चालू किए सब। मेरा भाई बगल में सोया हुआ था, रामदेव रामदेव मैं अपने भाई को चिल्ला रही थी, तब तक मेरा भाई जग गया और उसने बोले क्या कर रहे हैं हमारे दीदी के साथ, क्यों ऐसे कर रहे हो, एक औरत के साथ इतने लोग मिल के इस सब तो खींचातानी क्या है, अगर हो सकता है मेरी माँ मेरे भाई नहीं रहते, इन लोग कुछ भी हनोनी मेरे साथ कर सकते थे। और फिर मैं वहाँ से मैं बोली आप लोग हो कौन, कहाँ से आए हो, पुलिस है तो बताइए अपनी परिचय बताइए। तो बोले मैडम तब तुमको भी चलना पड़ेगा। मैं बोली आप लोग 8-9 आदमियों के बीच में एक लेडीज़ कैसे जा सकते, मैं नहीं जाऊँगी, अब जो बात है आप बताए, अगर पुलिस होती ना मैडम मैं चले जाती, क्योंकि मेरे को कभी पुलिस से कोई डर था ही नहीं और वो ज़रूर मुझे बोलते थे अरेस्ट करेंगे। फिर भी मैं कई बार ताना जाती थी, कई एस पी ऑफिस में कई बार गई हूँ, तो मुझे अगर परिचय दिए होते तो मैं चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठ के चले जाती, उन लोगों ने परिचय नहीं दिए तो मुझे लगा कि कोई बाहर गुंडे उंडे होंगे, कोई बेवजह आए होंगे, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उन लोग का विरोध किया। तो उन लोग बोले ये मैडम को कल लेके चलते हैं, ऐसा करके उन लोग वापस आए और मतलब लिंगा को पकड़े। पीछा करते फिर मैं कुआकोंडा थाना आई मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई को मैं भेजी थाने में, मैं बोली जा पूछ किया कि थाने से गए थे क्या, तो उमेश साहू करके उसने बोला नहीं मेरे यहाँ से कोई आदमी नहीं गया, हम तो जानते नहीं हैं यार, पता नहीं कौन गए थे, मैं नहीं जानता इस मामले के मामले में से। फिर उसके बाद मैं डिप्टी कमांडर मोहन प्रकाश को फ़ोन लगाया, तो उसने भी बोला थोड़ी देर पता लगा के बताता, तो उसने कई तो अपने सीआरपी कैंप में पता लगाया, उसने बोला नहीं मेरे भी आदमी नहीं थे, ऐसा करके ये सब बातें हुई। अब मेरे को ये सवाल करना है मैडम, उमेश साहू खुद एक आवेदन बनाता है कि मैंने गया था मेरी टीम गई थी, तो जब मेरे भाई गया था उस समय उमेश साहू कहता है कि मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं लिंगा को किस मामले कौन लेगा मैं नहीं जानता, तो ये भी फर्जी है। और फिर ये कहते हैं कि एसपी का भी कहना है पुलिस का भी कहना, 12:30 और 1 बजे के बीच में और लाला ने लिंगा और मुझे पैसे देते हुए रंगे हाथों लिंगा को पकड़े और मैं वारदात मतलब घेरेबंदी से मैं फरार हो गई। आप खुद सोचिए कि क्या औरत भाग सकती है और लिंगा नहीं भाग सकता, लिंगा एक बार लड़का भाग सकता है लेकिन एक लेडीज उतने लोगों के बीच में कैसे फरार हो सकती है, अगर उनके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, इतनी बड़ी आरोप मुझ पे कैसे लगाएं। और जब फिर कहते हैं कि इन लोग एसआर गेट में पकड़े हैं, एसआर गेट पालनार से 18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो मतलब अभी तक पुलिस भी तो सच की बयान नहीं कर पा रही है और ना ही वो कर रही है, तो ये सब क्या है इसका एकदम जो महत्वपूर्ण बात है कि लिंगा ये 3 गांव जो जलाए थे उसका कोई जांच किया था, आपको लगता है कि पुलिस इस चीज से डर रहे हैं? नहीं, ये तो मेरा 100% सही लगा जब मिलिंगा के साथ, क्योंकि बेवजह केस में फंसाना बेबुनियाद पर मुझे इतना परेशान करना, तो मुझे ये लगता है कि इस परेशानी का 3 चीज हो सकता है। एक तो है हिमांशु सर और शाम अग्निवेश के बारे में कई बार हमको पुलिस वाले ने गाली देते थे और लिंगा को भी देते थे, तो हो सकता है उसके जरिए में ये पकड़ना चाहते होंगे कि वाकई ये लिंगा एक नक्सली है, नक्सली के समर्थन है, इन लोग अंदर मतलब वहाँ रह के इनके माध्यम से इस तरह से काम करवाते हैं, इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। दूसरा तो एसआर कंपनी के खिलाफ इन लोग कई दिनों से साजिश चल रहे हैं कि उनके सबूत बनाने, सबूत नहीं मिल रहे होंगे तो लिंगा के जरिए एक सबूत बनाना चाहे। तीसरा ये मकसद होगा जो तीनों गाँव में गया था लिंगा ने जो चीज़ें इन लोगों ने किया लिंगा, हो सकता है वो चीज़ें ना हो और वो पुल के सामने नहीं आना चाहिए, लिंगा हमेशा जेल के अंदर रहे तो उस चीज़ के सामने तो आ ही नहीं सकती ना, ये भी हो सकता है इनका ये कहना। और फिर बताइए मैं तो फरार थी भी नहीं,
मुझे तो जब मैं दूसरे दिन लिंगा को ढूंढते हुए फिर मेरे पता रात भर मैं वापस भी गई ताने से जाने के बस घर मैं समेली घर में ही सोई। दूसरे दिन मैं फिर दोबारा लिंगा को पता लगाने आई कि लिंगा वाकई किसने ले गया, लिंगा को कौन उठाया। पार्लर में जैसे पहुंचती मेरा भाई कहता है कि पिताजी से फ़ोन कर, पिताजी वहाँ हैं अस्पताल में जगदलपुर में। तो पिताजी से मैं फ़ोन लगाई तो पिताजी बोले तुम फरार हो जाओ। मैं बोले क्यों फरार हो, नहीं किरंदुल या बछली ताने से मेरे पास फ़ोन आया था कि सोनी को फरार कर दिया जाए। तो उसके बाद मैं तो वहाँ से निकल गई पालनार से, फिर दूसरे जगह से मैंने फ़ोन किया मानकर को, मानकर सर आप लोग ने मुझे क्यों फरार कर रहे हो, क्या बात है। तो बोलते हैं मैडम इस वक्त तुम फरार हो जाओ, हम टीम लेके आ रहे हैं तुमको पकड़ने के लिए। मैं बोले आप पकड़ने भी आ रहे हो मुझे फरार भी करा रहे, इसका मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग क्यों फरार कर रहे हैं मुझे। बोला इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते, फिलहाल आप अंडरग्राउंड हो जाओ और हाथ में मत आओ किसी भी का। और वही आदमी फ़ोन भी करता है, वही मुझे फरार भी करवाता है, फिर मेरे घर की तलाशी लेता है, पूरी मेरे आश्रम में जाके मेरे चपरासियों को मारपीट करता है। वहाँ बच्चे भी दशक से 40 बच्चे कम से कम आश्रम से तो छोड़ के चले गए। मतलब ये सब क्या है मैडम, इतना ज़्यादा ऐसा करने का। अभी कुछ दिन पहले मानकर से बात हुई थी आपका? जी हाँ मेरी बात हुई थी। मानकर तो यही कहता है कि तुम सामने मत आओ किसी भी, और 3 महीना तक तुम बाहर ही रहना। तो मैंने बोला कैसे बाहर रह सकते, मैं अपने बाल बच्चों को छोड़ के नहीं रह सकती। गलती तो आपकी है, आप अपने SP साहब को क्यों नहीं बताए, बताना चाहिए कि SP साहब को कि ये काम आप लोग किए हो, क्यों किए ये तो मुझे नहीं पता किस वजह से किए हो। तो वो कहते हैं कि SP साहब ही फंसे पड़े हैं, SP साहब का भी मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते हैं ऐसा कर। तो मेरे को तो ये लगता है ये सब कुल मिला के पूरे SP साहब से मिल के ही एक गेम किया वो कराया गया। वो माने कि लाला और लिंगा को मार्केट से नहीं उठाए थे, अपने घर से उठाए थे? जी जी आपको सबूत है ये ना? जी कि उन लोग घर से ही उठाए हैं, लिंगा को भी घर से उठाए हैं, वो बीके लाला को भी घर से उठाए हैं। और जैसे मेरा मतलब मैं मोहन प्रकाश को भी मैं बोली आप बीके लाला के पास जाइए और मेरे बारे में उनसे वो पूछिए करके, तो उन लोग उसने भी स्टेटमेंट लिया, बीके लाला ने तो साफ कह दिया कि मैं सोनी सोरी को जानता ही नहीं, वो कौन है मेरा पता ही नहीं, लिंगा को भी नहीं जानता। पुलिस झूठ मूठ का आरोप लगा रही है कि उसने कबूल किया ये सब किया, ऐसा कुछ नहीं, वो जो व्यक्ति जानता ही नहीं तो इतना बड़ा बात कैसे कहेगा। तो अभी आपको आप निराश हो रहे हैं, आप किस चीज़ पे भरोसे पे जी रहे हैं? मुझे मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास है कि सच का ही जीत होगा और मैं सही हूँ, और मैं बहुत परेशानियों के साथ सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं वही सच्चाई को सबके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं नहीं लड़ पाई और मैं नहीं जीत पाई तो कई आदिवासी इसी तरह से बेवजह फर्जी मतलब उस चीज़ों केस में फंस जाएंगे, कई लोग मरे जाएंगे। तो मैं एक शिक्षित होने के नाते मैं आगे मतलब अपनी सच्चाई के लड़ना चाहती हूँ, और मुझे अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा है कि मेरे को इंसाफ सही मिलेगा।